सो so, इस सेक्शन के अंदर हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन ने अफेक्ट uh, किया है थ्री मेजर प्लेयर्स लाइक कंज्यूमर प्रोड्यूसर एंड स्टेट तो ट्रेडिशनल डायग्राम जो लास्ट मेड्यूल के अंदर डिस्कस किया है उसी को हम देखते हैं यहाँ पे आपके पास वंस अगेन वी हैव इस्टेब्लिश दैट कि आपके पास नेशन टू ने नेशन वन के साथ ट्रेड नहीं किया और कस्टम यूनियन फॉर्म की है नेशन थ्री के साथ जहाँ पे प्राइस 1.50 है अब ओवरऑल देखें तो नेशन टू को जो है नेशन थ्री से ट्रेड करने से ये फ़ायदा होता है दैट इज़ 3.5 ये ट्रायंगल कैसे ये 3.75 किस तरीके से अचीव किया गया है दैट इज़ सम ऑफ शेडेड एरिया अगर आप देखें इस फिगर के अंदर दैट इज सी बार जे जे बार एंड बी बार एच एच बार इसका एरिया को कैलकुलेट करना वंस अगेन दैट इज़ क्वाइट ईजी वी हैव लर्न दैट अगर आप देखें तो वन ओवर टू अगर इसके एरिया की बात करें बेस इज फाइव एंड हाइट इज ज़ीरो पॉइंट फाइव तो अगर आप इसको देखें वन ओवर टू फाइव एंड फाइव ओवर टेन दैट इज़ ट्वेंटी फाइव ओवर ट्वेंटी देन कैन फाइंड आउट वन पॉइंट टू फाइव यू कैन से एंड देन यहाँ पे अगर आप देखें इस एरिया की बात करें सी बार जे जे बार की बात करें तो ये आ गया देन अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें तो वंस अगेन वन ओवर टू बेस इज टेन एंड देन हाइट इज़ ज़ीरो पॉइंट फाइव दैन आप पास आ गया टू पॉइंट फाइव वन यू एड दिस टू नंबर इट विल बिकम थ्री पॉइंट सेवन फाइव तो जब आपके पास नेशन टू के अंदर प्राइसेस कम हुई हैं दैट इज़ वन पॉइंट सेवन फाइव तो ये फ़ायदा हुआ है कंज्यूमर सरप्लस से क्योंकि ऑब्वियसली पहले कंज्यूमर सरप्लस इस पॉइंट पे था अब यहाँ पे आपके पास जो स्टैटिक गेन कंज्यूमर सरप्लस प्राइमेली ये फ़ायदा तो हुआ है लेकिन इसमें से ये वाला शेयर जो है वो आगे चल के मैं डिस्कस करता हूँ कि किस तरह से फॉर्मेशन होती है इसकी ये पहले शेडिड एरिया की कैलकुलेशन देख लेते हैं फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं ये जो वेलफेयर गेन हुआ है वो ट्रेड की वजह से हुआ है यहाँ पे ट्रेड क्रिएट हुई है आपने क्योंकि टैरिफ लेना था और अल्टीमेटली टैरिफ के रेवेन्यू क्रिएट करने थे और आपके पास जो आउटपुट है या जो डिमांड है वो कम थी तो ट्रेड की वजह से आपके पास ये 3.75 डॉलर का फायदा हुआ अब उसके बाद द एरिया एम एन एच बार एच बार ये वाला एरिया अगर आप कहें तो दैट इज़ वेलफेयर लॉस अब ये वेलफेयर लॉस क्यों है इसको समझना चाहिए क्योंकि अगर जो स्टेट है वो नेशन वन के साथ ट्रेड करती तो ये वाला हिस्सा जैसे हमने इस्टेबलिश किया हुआ है ये टैरिफ रेवेन्यूज़ की फॉर्म में बनता था इसमें से कुछ पार्ट तो आपने कंज्यूमर सरप्लस को दे दिया बिकॉज कंज्यूमर सरप्लस पहले ये वाला हिस्सा था इसमें से आपने बाद में कंज्यूमर सरप्लस बनता है ये वाला हिस्सा तो इसमें से ये पार्ट तो आपने दे दिया कंज्यूमर सरप्लस में भेज दिया लेकिन इस पार्ट का क्या होगा दिस वन जिसको आपने कहा एम एन एच बार जे बार ये फिफ्टीन का आपके पास वेलफेयर लॉस होता है अगर ये आप ट्रेड सेकंड नेशन वन से करते तो आपके पास थर्टी का रेवेन्यू था लेकिन क्योंकि आपने ट्रेड की नेशन थ्री के साथ तो फिर क्या हुआ कि इस थर्टी का आपने आधा कंज्यूमर सरप्लस में भेज दिया क्योंकि वंस अगेन आपके पास जो कंज्यूमर सरप्लस में एडिशन हुआ है इस पॉइंट में यहाँ पे जिसको आप नाम दे रहे हैं जी बार जी एच बी बार इसमें से ये वाला पार्ट स्टेट की तरफ से गया है कंज्यूमर को देन इन दो पार्ट्स को हमने कैलकुलेट कर लिया ये आपने कहा कि ये ट्रेड इफ़ेक्ट्स हैं ट्रेड ज़्यादा हुई है तो फ़ायदा हुआ है ये वाले पार्ट को भी हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें ये कहा जा सकता है कि वेलफेयर लॉस हुआ है फ्राम डायवर्टिंग द इनिशियल थर्टी एक्स जे एच ऑफ इम्पोर्ट्स फ्राम द लोअर कॉस्ट नेशन वन टू द हायर कॉस्ट नेशन थ्री वंस अगेन वेलफेयर लॉस इज ड्यू टू द एफिशंसी लॉसेज अब कंज्यूमर सरप्लस में जो गेन हुआ है जी जी एच बी का ये जो हमने पहले डिस्कस किया है इतना गेन कि मैं इसको रिमूव करता हूँ फॉर सिम्प्लिसिटी अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो जो ये कंज्यूमर सरप्लस था इसमें ये एडिशन होता है जी जी बार जी एच एंड बी बार इज़ ड्यू टू द कस्टम यून जी बार जी जे सी बार दिस इज़ ट्रांसफ़र फ्राम द प्रोड्यूसर क्योंकि अगर कंज्यूमर सरपलस में इजाफा हुआ है तो प्रोड्यूसर सरप्लस में रिडक्शन आई है तो ये वाला पार्ट आपके पास प्रोड्यूसर की तरफ से आपको मिलता है अब ये थर्टी में से जो हमने पहले डिस्कस किया दिस पार्ट आपके पास हाफ जो है वो ट्रांसफ़र होता है कंज्यूमर्स की तरफ जिसमें आपने कहा जो वेलफेयर गेन की बात की थी जो वेलफेयर लॉस की बात की थी सॉरी फिफ्टीन डॉलर की वो यहाँ पे हम कर सकते हैं तो अल्टीमेटली कंज्यूमर से सरप्लस कंज्यूमर uh, के पास गया कहाँ से प्रोड्यूसर से तो वो सेम uh, एक ही कंट्री के दो डिफरेंट एक्टर्स हैं तो ओवरऑल जो ट्रेड की वजह से गेन हुआ दैट इज़ जस्ट थ्री जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया इस गेन की फॉर्म में ये जो ट्राइंगल शेडेड एरिया के फॉर्म में आपको नज़र आ रही है दैट इज़ गेन और जो शेडेड एरिया रेक्टेंगल है दैट इज़ लॉस और हम ये भी कह सकते हैं कि 15 में से अगर आप माइनस करें 3.75 पॉइंट सेवन फाइव दैट वुड बी द नेट लॉस इसी तरीके से देखा जाए तो ये हमने कैलकुलेट किया है 15 डॉलर दैट इज़ नेट लॉस वेलफेयर लॉस ड्यू टू द ट्रेड डाइवर्जेंस और जो बेनिफिट मिला है वो ये दो ट्राइंगल्स हैं ये बेनिफिट्स बी से शो कर सकते हैं हम इसको और इसको मैं एल से शो कर रहा हूँ ये लॉस है तो सम ऑफ सी बार जे जे बार बी बार एच एच बार दैट इज़ लॉस गेन दैट इज बी एंड बी और इसमें से जो लॉस हुआ है दैट इज़ फिफ्टीन डॉलर अगर आप इसमें से माइनस करें दोनों फिगर को तो आपके पास एलेवन पॉइंट टू फाइव आता है नेशन टू के पास और ये जो है वेलफेयर लॉस हुआ है ओवरऑल नेशन टू को ड्यू टू द इनएफिशिएंसीज और या आप कह है सकते हैं जो आपने ट्रेड रिवर्स किया है या अपनी ट्रेड जो है मोर एफिशिएंट नेशन दैट इज़ नेशन वन उससे आपने लेस एफिशिएंट नेशन थ्री की तरफ अपनी ट्रेड की है अब वंस अगेन यहाँ पे ये यह बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि डिमांड और सप्लाई कर्व जो हैं वो उनकी इलास्टिसिटी कितनी है या वो कितने मोर इलास्टिक हैं अगर सपोज़ वो मोर इलास्टिक कर्व होते ये फ्लैटर्स होते फ्लैटर होते थोड़े से तो इस केस के अंदर आपके पास हो सकता था फिर जो ये गेन होता ये काफ़ी ज़्यादा होता और वो आउटवे कर देता इस लॉस को तो जितने आप यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने स्टीपर कर्व होंगे डिमांड एंड सप्लाई के उतना ही आपके पास जो इनफिशेंसीज हैं बैडली इफेक्ट करेंगी और आपके पास लॉस ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू गेन अगर आपके पास ये कर्व जो है मोर इलास्टिक फॉर्म में मिलेंगे आपको तो आपके पास हो सकता है द सिचुएशन इज़ वाइस वर्सा दिस कैन बी सेड दैट द ग्रेटर इज़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द शेडिड ट्राइंगल्स एंड द स्मॉलर द एरिया ऑफ शेडिड ट्राइंगल्स दैन कब होता है ये केस जब ये क्लोज़र टू एस वन एस थ्री के क्लोज़र होते दैट मीन्स थोड़े से फ्लैटर होते हैं